भारत के अंदर कानून से लुका छुपी ज्यादा देर चलती नहीं है, कानून को फेस करना पड़ता नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। एक तरफ तो बिल्किस बानो केस में आरोपियों की रिहाई पर भाजपा पर विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मामला 2018 का है, जब एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी। अब जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि सभी तथ्यों को देखते हुए ये स्पष्ट है इस मामले में केस दर्ज करने में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। ये भी कहा गया कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश की गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। उस वक्त पुलिस ने अदालत में ये रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। 2018 में जनवरी में पीड़ित महिला ने शाहनवाज हुसैन पर यह आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने उसे अपने छतरपुर फार्म पर बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने निचली अदालत में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए गुजारिश की थी। अब जाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर एक्शन लिया है। इससे पहले निचली अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संघीय अपराध का मामला है। यह अपराध वो अपराध है जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की जरूरत नहीं होती। बता दें कि शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं, 3 बार के सांसद रह चुके हैं, भाजपा JDU गठबंधन में मंत्री रहे हैं। इसी के साथ अटल सरकार में भी शाहनवाज हुसैन मंत्री रहे हैं। हालांकि फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।